हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम इंट्रो में। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के बारे में, उसके रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, उसका जो अगला सीबीटी है सीबी टू उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये दोनों चीज़ों के जो क्वेश्चन हैं आप हमेशा से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो आज इस वीडियो में आपको हम क्लियर करेंगे इस बारे में। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें रिजल्ट के बारे में, तो रिजल्ट आपका सितंबर से अक्टूबर के बीच में एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, जो सीबीटी वन का रिजल्ट है। अब उसके बाद बात करते हैं कि सीबीटी टू जो है, आपको देखा जा रहा है कि दिसंबर तक आपका सीबीटी टू कंडक्ट कर लिया जाएगा। देखिए, इतना जल्दी नहीं होगा कि आपका अक्टूबर में सीबीटी टू ले लिया जाए, लेकिन सीबीटी टू आपका जो भी होगा, जो सीबीटी टू है वो आपका दिसंबर तक कंडक्ट किया जाएगा। थोड़ा सा डिले होगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ग्रुप डी का एग्ज़ाम वहाँ पे बीच में आने ही वाला है। इतनी जल्दी नहीं करेगा रेलवे कि आपका एनटीपीसी को पहले कंडक्ट कर ले सीबीटी टू को ग्रुप डी के सीबीटी वन से। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फ़ी रिफ़ंड है, देखिए फ़ी रिफ़ंड बताया जा रहा है कि आपका डेढ़ महीने के आसपास लगेगा, जिसमें कि फ़ी आपके सबके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। सो एक से डेढ़ महीने का टाइम लगेगा, जो कि आप डेटा लेने के बाद लगता है। तो ये देखिए, आपका जो आपका आंसर की रिलीज़ हुआ है, उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि आपका जो रेलवे है वो जल्दी से जल्दी सारा काम कर लेना चाहता है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो, क्योंकि देखिए 16 दिन के अंदर आपका जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था, उसके 16 दिन के बाद आंसर की रिलीज़ करने का मतलब ही यही है कि चीज़ों को फास्ट किया जा रहा है। क्योंकि लास्ट टाइम ग्रुप डी में ही आपको लग गया था 28 दिन आपका आंसर की आने में, इस बार 16 दिन के अंदर आ गया। तो देखिए, लेकिन एग्ज़ाम जो सीबीटी टू का है वो इतना जल्दी नहीं होने वाला है, एग्ज़ाम डिले होगा। तो इस कंडीशन में आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, तो अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, ठीक है? तो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद।